तो हाय फ्रेंड्स, कैसे आप? फाइनली मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि एक फ्रेंड बहुत ही सारे कमेंट रहे थे कि सर हमारा वाईफाई ऐसे बुसू नोकिया का, तो उसमें हम कोई भी मोबाइल का यानी कि ब्लॉक करते हैं, तो क्या हमारा जो कि ब्लॉक करने के बाद हो जाता है कि यानी कि होम नेटवर्किंग होता है, तो उसमें वो एक्टिव बताता है। तो ये एक्टिव क्यों बताता है और इसका सोल्यूशन क्या है, आप यानी कि हमें बताइए। तो मैं सोचा कि फ्रेंड्स इस पर बताना पड़ेगा, वीडियो बनाना पड़ेगा, तो चलिए यही वीडियो है, सिंपल वीडियो होगा। आप सब यानी कि वीडियो में बने रहे और मैं एक एक स्टेप बनाऊंगा कि जो कि हम कोई भी मोबाइल का जो कि मैक एड्रेस करते हैं अथवा जो कि ब्लॉक करते हैं, तो वो यानी कि शो ही करता है, जो कि एक्टिव बताता है, इनएक्टिव क्यों नहीं होता है। तो चलिए इस पर बोल रहे थे कि सर एक वीडियो ही बना दें, तो मैं सोचा कि इस पर वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो बना दें तो आप सभी यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से जान जाएंगे। तो चलिए वीडियो में आप सभी बने रहे और सिंपल वीडियो होगा, आप सभी यानी कि स्टेप बाई स्टेप देखिएगा। मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ वो इनएक्टिव जो कि क्यों शो कर रहता है, भला कि मैं कमेंट कर रहा था पर वीडियो के दोस्त लोग यानी कि नहीं पूछ पाए। तो चलिए आप सभी यानी कि क्रोम ब्राउजर अथवा इसी ब्राउजर तो कोई ब्राउजर में अपना होम गेटवे क्या उसका होता है, होम गेटवे वो लॉगिन कर लीजिएगा आईपी एड्रेस डाल के। तो चलिए मैं यहाँ पर डाल लिया वो उसका आईपी एड्रेस और यहाँ पर एडमिन वीपीएन और यहाँ पर पासवर्ड डाल दिया हूँ, और डालने के बाद यहाँ पर लॉगिन पर डायरेक्ट यानी कि क्लिक करेंगे। तो चलिए आप सभी यानी कि ऐसे ही कर लीजिए। चलिए यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करने के बाद हमारा होम गेटवे यानी कि लॉगिन हो जाएगा, और देखिए हमारे मोबाइल फ़ोन में यानी कि होम गेटवे लॉगिन हो गए। और लॉगिन हो जाने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पर बता दूँ आप सभी को यानी कि होम नेटवर्किंग में जाकर, तो चलिए यहाँ पर होम नेटवर्किंग में डायरेक्ट यानी कि क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद होम नेटवर्किंग यानी हमारा ओपन हो जाएगा, और ओपन हो जाने के बाद आप सभी यानी कि ध्यान से देखिए कि यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है हमारा, आप सभी ध्यान से देखिएगा, वायरलेस सेटिंग 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के नीचे, इसी में जो कि देखिए लोकल डिवाइस जो कि लिखा हुआ है, यहाँ पर आप सभी ध्यान से देखिए लोकल डिवाइस लिखा हुआ है, अथरनेट है तो ये सेकेंडरी डाटा दिए है वो है, और उसके बाद एक्टिव बता रहा है रेडमी नोट 5 जो कि मेरा ही डिवाइस है, उसका इनएक्टिव ये सब है, इनएक्टिव यानी कि सब एक्टिव नहीं है फिलहाल। तो एक्टिव नहीं है तो हम क्या करेंगे वो एक्टिव बनाने के लिए, जो कि हम आप सभी बता दूँ कि यहाँ पर आप सभी मैं बता दूँ कि आप यानी कि ब्लॉक करते हैं तो कोई भी मोबाइल जो कि आप एक्टिव ही बताता है, तो एक्टिव नहीं बताएगा फ्रेंड्स। मैं यहाँ पर आप सभी को स्टेप बाई स्टेप आप सभी को यहाँ पर बता दे रहा हूँ, तो आप सभी वीडियो में बने रहे, और वहाँ पर थोड़ा सॉन्ग बज रहा था इसी कारण जो कि मैं यहाँ पर आ गए तो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया बोलने में। तो चलिए मैं आप सभी को यानी कि डायरेक्ट यानी कि बता दे रहा हूँ, सेक्रेटरी वाला ऑप्शन पर आप सभी यानी कि क्लिक करिएगा। तो चलिए यहाँ पर सेक्रेटरी वाला ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद हमारा सेक्रेटरी वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा, और उसके बाद नीचे साइड में स्क्रॉल करने के बाद देखिए यहाँ पर मैक फिल्टर का भी ऑप्शन आ रहा है, इसी मैक फिल्टर पर क्लिक करिएगा। स्टेप बाई स्टेप आप सभी इनकी ऐसे ही करिएगा। मैक फिल्टर पर क्लिक करने के बाद देखिए अथरनेट में हमें कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ पर नीचे पर स्क्रॉल करने के बाद देखिए हमें एक ऑप्शन मिला वाईफाई SSID का, तो इसी में जो कि हमें सब कुछ करना होगा। तो आप सभी को मैं बता दूँ कि वाईफाई SSID लिखा हुआ है, तो इसमें आप ब्लॉक पर क्लिक करेंगे तो आपका यानी कि जिस मोबाइल यानी ब्लॉक करना चाहते हैं वो मोबाइल यानी ब्लॉक हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर और भी एक ऑप्शन मिला है जो कि अलाउ का होगा, तो अलाउ करेंगे ना तो मैक एड्रेस लगेगा। तो मैक एड्रेस ब्लॉक कैसे करते हैं इस पर वीडियो ऑलरेडी बना है, प्लीज जाकर देखिएगा। और यहाँ पर वही प्रॉब्लम आ रहा था कि सर हम ब्लॉक करते तो वहाँ पर इनएक्टिव नहीं बताता है और एक्टिव भी बताता है, तो मैं बता दे फिर साहब जान के ध्यान से ब्लॉक करिए। चलिए यहाँ पर ब्लॉक पर आप क्लिक कर दीजिएगा, और उसके बाद यहाँ पर इनेबल वाला टिक है ना, यही आप यानी कि बिसर चुके होंगे, तो इसी कारण जो कि वहाँ पर ब्लॉक जो कि यहाँ पर, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगा ना तो मैक एड्रेस तो यहाँ पर शो कर देगा। देखिए यहाँ पर एक पहले से जो ब्लॉक कर रखे हुए है तो यहाँ पर शो कर रहा है, अगर नहीं शो करेगा ना तो बुझ लिए कि आपका यानी मोबाइल वो ब्लॉक नहीं हुआ है या तो मैक एड्रेस में नहीं लगा हुआ है। और एक बात मैं बता दूँ, आप ब्लॉक करेंगे तो सबसे पहले यानी दूसरे का मोबाइल ब्लॉक करिएगा, नहीं तो अपने मोबाइल यानी ब्लॉक करेंगे ना तो आपका मोबाइल जो कि ब्लॉक हो जाएगा, तो यानी आप दूसरे के मोबाइल में आपको होम गेटवे लॉगिन करके यानी फोन ब्लॉक करना पड़ेगा। और मैक एड्रेस लगाएंगे तो सबसे पहले अपना मैक एड्रेस लगाइए, ये सभी ध्यान रखिएगा, ऐसे वीडियो बनाए प्लीज जाकर चेकआउट करिएगा। तो चलिए मैं बता दूँ कि यहाँ पर आप यानी क्लिक कर दीजिएगा, और क्लिक करने के बाद ब्लॉक करना चाहते हैं तो ब्लॉक को क्लिक करिएगा, और ये अपना SSID यानी खोले होंगे तो यहाँ पर क्लिक करें तो SSID आ जाएगा, और उसके बाद टिक वाला ऑप्शन जो कि ऐसा रहेगा तो यानी टिक कर दीजिएगा, ऑन टिक रहेगा तो। और उसके बाद आप किस मोबाइल के यानी ब्लॉक करना चाहते हैं देखेंगे मैक एड्रेस पेस्ट करिएगा, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल जितना यानी मोबाइल कनेक्ट होगा उसका नेम यानी शो करेगा। देखिए यहाँ पर बहुत ही सारे यानी मोबाइल शो कर रहा है, तो हम ये कोई भी मोबाइल यानी ले लेंगे, और लेने के बाद यहाँ पर डायरेक्ट यानी सेव पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा सेव हो जाए। चलिए मैं एक बार बता दे रहा हूँ गैलेक्सी M01S को मैं सेव कर दे रहा हूँ, वो वहाँ पर एक्टिव बता रहा है फिलहाल, मैं एक बार और दिखा दे रहा हूँ, और उसके बाद इसे हम एक बार चेक कर दे रहा हूँ कि ये चल रहा है कि नहीं।
चलिए यहाँ को होम नेटवर्क में आप सभी को मैं क्लिक करके का बता दे रहा हूँ। तो चलिए यहाँ को होम नेटवर्क में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए अभी फिलहाल बताएगा हमारा एक्टिव। आप सभी जानकर ध्यान से देखिए गैलेक्सी यही मोबाइल है गैलेक्सी M01S है। तो एक्टिव बता रही है इनएक्टिव बताएगा। मैं इसे ब्लॉक करके आप सभी लाइव के साथ दिखा दे रहा हूँ। चलिए यहाँ पर फिर से सिक्योरिटी वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर माइक फिल्टर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ब्लॉक करना चाहते हैं ब्लॉक पर क्लिक कर यहाँ पर वही हम गैलेक्सी M01S को सेलेक्ट कर दे रहा हूँ। और सेलेक्ट करने के बाद इसका माइक रेस आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पर स्टेप पर डायरेक्ट नहीं क्लिक करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं स्टेप पर क्लिक कर दे रहा हूँ। स्टेप पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स ये ऑटोमेटिक से इनकी इसका ब्लॉक हो जाएगा। तो देखिए हमारे मोबाइल का कुछ देर का नेट कनेक्शन हट जाएगा और नेट कनेक्शन हटने के बाद ऑटोमेटिक से फिर से इनकी वाईफाई आ गए और वाईफाई आ जाने के बाद फिर से इनकी रिफ्रेश कर देंगे यानी कि माइक एड्रेस पर देखिएगा। और माइक एड्रेस पर रिफ्रेश करने के बाद देखिए फ्रेंड्स यही जो कि हम मोबाइल जो कि ब्लॉक करे हुए थे क्योंकि एक पहले से था और एक करा जो कि E9 वाला था माइक एड्रेस, तो ये इस पर जो कि ब्लॉक हो गए। तो आप चलिए हम होम नेटवर्क में बता दे रहा हूँ कि ये ब्लॉक हुआ है कि नहीं। आपसे बोल रहे थे कि सर ब्लॉक नहीं होता है तो हमारा एक्टिव शो करता है तो नहीं शो करेगा। फ्रेंड्स यानी कि होम नेटवर्क में फिर से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैं बता दूँ गैलेक्सी M1 जो कि अभी फिलहाल यानी कि एक्टिव बता रहे थे एक्टिव क्यों बता रहे हैं फ्रेंड्स ये नहीं चलता होगा। यहाँ पर रिफ्रेश कर दीजिए एक बार रिफ्रेश पर क्लिक करेंगे ना तो देखिए ऑटोमेटिक से हमारा राउटर जो कि रिफ्रेश करेगा और कुछ देर ये टाइम लगेगा। तो चलिए यहाँ पर रिफ्रेश करने के बाद अभी फिलहाल जो कि एक्टिव बता रहा है मगर फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा वो एक्टिव बता रहा है मगर वो मोबाइल नहीं चल रहा होगा। आप सभी यानी कि जिस मोबाइल के करेंगे ना तो यहाँ पर से एक बार क्या कर दीजिए यानी कि डिलीट करेंगे ना तो डिलीट हो जाएगा। देखिए डिलीट पर क्लिक करेंगे कैन नॉट बी डिलीट यानी कि बता रहा है ये फिलहाल एक्टिव है। तो फ्रेंड्स ये एक्टिव नहीं रहेगा ये डिलीट हो जाएगा। आप सभी यानी कि थोड़ा देर क्या करें राउटर को यानी कि आप फिर से यानी कि रिफ्रेश करेंगे ना तो फिर से जो कि वो एनएक्टिव जो कि शो करें। चलिए आप रिफ्रेश करने का देख रहे हैं फिर से हो रहा है कि नहीं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर रिफ्रेश करने के बाद ऑटोमेटिक से ये इनएक्टिव शो कर दिया आपके सामने भी मैं कर रहा हूँ। देखिए इनएक्टिव शो कर रहा है यहाँ पर इनएक्टिव फ्रेंड्स ये हो गए यानी कि बोलिएगा कि आप बोल रहे थे सर हमारा एक्टिव ही शो करता है एक्टिव नहीं शो करता है आप रिफ्रेश करेंगे ना तो आपका जो कि इनएक्टिव शो करेगा। तो चलिए आपसे मेन प्रॉब्लम यानी कि आप यहाँ देखिएगा ब्लॉक होगा हो जाएगा ना वो मोबाइल यहाँ पर शो करेगा। आप इनके ध्यान से देख लीजिए जो कि यहाँ पर तो ब्लॉक हो जाएगा तो ऑटोमेटिक से वो मोबाइल कनेक्ट हो जाएगा थोड़ा रिफ्रेश करने के बाद वो इनएक्टिव लिखाता है। तो चलिए फ्रेंड्स ये सिंपल वीडियो आपको ये जानकारी देना था और फिर से डिलीट करना चाहते हो चलिए यहाँ पर डिलीट करके उससे मैं डिलीट भी कर दे रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पर डिलीट पर क्लिक करेंगे तो वो हमारा डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिक से ये डिलीट हो जाएगा और उसके बाद एक ही जो हो जाएगा और उसके बाद फिर से वो कनेक्ट होगा अगर वाईफाई यानी कि खुला होगा तो ऑटोमेटिक से वो कनेक्ट कर लेगा। चलिए मैं फिर से इनकी होम नेटवर्क में क्लिक करके रिफ्रेश कर दे रहा हूँ। उसके बाद इनएक्टिव वो एक्टिव होगा तो ऑटोमेटिक से एक्टिव उसमें फिर से इनकी कनेक्शन चल जाएगा। तो चलिए फिलहाल तो नहीं बता रहा है इस फिर से रिफ्रेश कर दे। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर रिफ्रेश करने के बाद होम नेटवर्क में क्लिक कर दे रहा हूँ। क्लिक करने के बाद आप सभी इनकी देखिए कि यहाँ पर फिर से वो गैलेक्सी M0 वाला मोबाइल इनकी हमारा क्या बोल रहा है जो कि एक्टिव बता रहा है। तो देखिए हमें डिलीट करने के बाद ये ऑटोमेटिक से एक्टिव बता रहा है। तो आप इनके देख लीजिए लाइव के साथ जो कि हम ब्लॉक करेंगे तो वो इनएक्टिव नहीं शो करेगा सॉरी फ्रेंड जो कि एक्टिव नहीं शो करेगा वो इनएक्टिव हो जाएगा उसको हटा देंगे तो वो एक्टिव बन जाएगा ऑटोमेटिक से। चलिए आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी जरूर करिएगा और साथ में रिक्वेस्ट कर दे रहा हूँ कि हमारे चैनल संतोष परवन ऑफिसर पर नए शेयर सब्सक्राइब करिए और साथ में दिखे बेल आइकन दबा लीजिए क्योंकि हम इसी तरह नए नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उससे नोटिफिकेशन आप जो से पहुँच जाएगा और आप उस वीडियो को जो कि देख सकते हैं। और साथ में मैं रिक्वेस्ट कर दे रहा हूँ आप सभी इनके वाईफाई रिलेटेड यूट्यूब रिलेटेड मोबाइल ऐप रिलेटेड सभी प्रकार का वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हर हमारे चैनल पेज में जरूर जाइए वहाँ पर सभी प्रकार का वीडियो बनकर रेडी है वहाँ से आप सभी देखकर अपने मोबाइल डाटा और यूट्यूब चैनल भी कर सकते हैं। तो चलिए और वीडियो का लंबा ना करते मैं यही पेंट करना चाहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।